ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं तो उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है, इसलिए शनिदेव की चाल सभी ग्रहों में सबसे धीमी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि महाराज वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं तो उनके पैरों में अधिक पीड़ा होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी राशि के जातक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शनि महाराज को अधिक पीड़ा हो, या फिर यूं कहें कि शनि देव को नाराज करने वाले कार्यों को करने से बचना चाहिए। जब शनि देव उल्टी चाल चलते हैं तो सभी राशियों पर उनके कार्य और करियर को लेकर शनि देव की नजर बनी रहती है। ऐसे में कोई भी गलत कार्य करने पर शनि देव उनके कार्य क्षेत्र, जॉब और करियर में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। शनि देव की उल्टी चाल को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी, सुनिए। इस समय शनि वक्री चल रहे हैं और जो उनकी प्रिय राशि कुंभ राशि है, तो जिस समय शनि वक्री होते हैं उस समय कुंभ राशि है, उनको इस अवस्था में कोई भी एक गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। अपने कार्य को ईमानदारी से और अच्छी भावना से ही उसको करना चाहिए। तो इस समय यदि हम एक सत्कर्म कर रहे हैं और शनि ग्रह के प्रति अच्छे भाव रखे हुए हैं और उनको हम किसी भी प्रकार से मंत्र के द्वारा ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमे इस मंत्र की एक माला करके यदि हम रोजाना एक उनका मंदिर में सायंकाल के समय उनकी पूजा करते हैं तो हमें सकारात्मक फल मिलता है, क्योंकि जिस समय शनि वक्री होते हैं उस समय उनको स्वयं को भी एक पैरों में कष्ट होता है और अपनी राशि वालों को यदि वे कोई गलत काम, बुरा काम अर्थात न्यायपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनको भी कष्ट प्राप्त होता है। और इस समय वक्री चलने पर ये पैरों में स्वयं को भी शनि देव को कष्ट होता है और जो जिनकी राशि कुंभ है उनको भी पैरों में कष्ट हो सकता है। इसीलिए वक्री होने पर शनि के हमें एक अच्छे सत्कर्म करें और अपने नियम का पालन करें। एक मान्यता है कि कलयुग में, वैसे तो हमेशा ही वो रहते हैं परंतु तो विशेषकर कलयुग में भोले शंकर की जो कृपा से, उनके आशीर्वाद से महाराज शनि एक न्याय के देवता हैं, तो इसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति को, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को एक सकारात्मक फल देते हैं। अर्थात जो 12 राशियां हैं और शनि वक्री के चल रहे हैं, ऐसी अवस्था में यदि हम सब 12 राशियों वाले जो सभी जातक हैं वे यदि बुरे कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, उनको एक अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता और उनको एक कष्ट प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस शनि महाराज को वक्री अवस्था में एक मनाने के लिए सत्कर्म करने चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा और जप तप करके उनको, उनके फल को सकारात्मक बनाना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान शिव एवं शनि ग्रह की कृपा, दोनों की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे।